झारखंड बनने के बाद झारखंड के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी निकम्मी सरकार झारखंड की जनता ने देख रही है। 2021 में जो नियोजन नीति सरकार ने लेके आई उसमें हम लोगों ने कहा था कि ये नियोजन नीति असंवैधानिक है, ये जाके राज्य के जनता के हित में ये नीति नहीं है। अब पूर्व की सरकार हुआ सरकार की नियोजन नीति को सरकार ने रद्द करके नई नियोजन नीति को लाया, नियोजन नीति कोर्ट में जाकर रद्द हो गया। अब अपना चेहरा छुपाने के लिए राजभवन का चक्कर लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी राजभवन क्यों जाएगी? हम विपक्ष में हैं, आपको जनता ने मैंडेट दिया है। कांग्रेस जेएमएम और राजद को राज्य की जनता ने मैंडेट दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटी तो आपको सत्ता जनता ने दिया। 3 साल तो आप 2 साल तो कोरोना का बहाना किया आप, और आपने कहा बहुत बढ़िया नियोजन नीति हम लाए हैं, और आपकी नियोजन नीति जब आज फेल हो गई तो राजभवन को द्वार में जाकर घूमने का काम आप कर रहे हैं। तो भाई स्थानीयता नीति से नियोजन नीति का क्या संबंध है? स्थानीयता नीति तो अलग है, नियोजन नीति अलग है। और आप नियोजन नीति आपका जब कोर्ट ने रद्द कर दिया तो मुख्यमंत्री जी को से हम लोगों ने आज विधानसभा के भीतर में भारतीय जनता पार्टी एक एक विधायक ने हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया सदन के भीतर, सरकार को कहा कि आप जवाब दो। मुख्यमंत्री जी का जो जवाब आया सदन में गोल मटोल जवाब आया, आप देख सकते हैं इन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या इस नियोजन नीति को ठीक करेंगे। 22 राज्य के लाखों नौजवानों का जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ सरकार ने किया, 3 साल इनके ऐसे नौजवानों के चले गए, अब जो बाकी बचा है इस सरकार का कार्यकाल में क्या इन नौजवानों को नौकरी मिल पाएगा, ये स्पष्ट मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए था। हम लोगों को तो उस समय से ही मुख्यमंत्री पर शंका था जब ये कहने लगे थे, जब पहले इन्होंने कहा कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे 1 साल में, हम 3 साल में इन्होंने एक भी नौकरी नहीं दिया। बाद में इन्होंने क्या कहा कि अंडा बेचो, मुर्गी बेचो, शुक्र बेचो, तो ये ठीक है, अल्टरनेटिव जॉब किसानों को चाहिए नो डाउट, बट आपने कहा कि हम नौकरी देंगे, तार का चढ़ने वाले को सिपाही बना देंगे, जो नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको हम पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट को सरकारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी वादे पर सरकार खड़ा नहीं उतरा। तो भाई भारतीय जनता पार्टी इसका पाप का भागी क्यों बने? मैंडेट आपको जनता ने दिया है, आपको नियोजन नीति लानी थी, आपको स्थानीय नीति बनाना था। हमारी जब रघुवा जी की सरकार थी तो हम लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी दिया, हम लोगों ने सरकारी टीचर बनाया, हम लोगों ने बनर्सी बनाया, हम लोगों ने जो है हौलदार की बहाली की, सिपाही की बहाली की, प्यून चपरासी की बहाली की, थर्ड और फोर्थ ग्रेड में हम लोगों ने पहले 11 जिला को बाद में भी 14 जिला को हम लोगों ने 10 साल के लिए आरक्षित करने का काम किया था। आपने उस नीति को रद्द कर दिया और आपने नियोजन नीति आप लाए, तो अब जवाब तो ठीक रहा, तो आपको जनता का जवाब देना पड़ेगा। आप राजभवन के चक्कर में दौड़ने से नहीं होने वाला है, आपको अगर राजभवन वाला नहीं के चक्कर में हम जाएंगे, आपको क्या करना है, कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है कि नियोजन नीति को ठीक करना है, आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को ना। आप हम तो विपक्ष हैं, आपसे सवाल डाल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई इस राज्य की जनता के साथ क्या होगा, तो इसलिए मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, चला छुपा रहे हैं। देखिए अनुपूरक बजट लाने का कोई तुक नहीं बनता है, आप देखें इनके जो योजना मत के आकार को देखें तो हर विभागों में इनके जो सबसे पीडब्ल्यू विभाग के आकार को देखें, मुश्किल से 20% खर्च इनके नहीं हुए। आयु विभाग में इनके 15% मात्र खर्च हुए हैं, किसी विभाग में इनके देखें तो मात्र 2% खर्च हुआ है। जब खर्च ही नहीं हुआ आपका, जो पहले से जो बजट में पैसा आपने लिया, चाहे उधार सरकार के बजट के पैसे हो चाहे भारत सरकार के बजट के पैसे हो, इनका जब योजना जमीन पर उतरा ही नहीं, पैसा ही खर्च नहीं हुआ, फिर नया अनुपूरक लाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ये सरकार मतलब ना कि ये जन विरोधी सरकार है, इनको योजना से विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये बालू बेचने वाले, पत्थर बेचने वाली, कोयला बेचने वाली सरकार है। आम जनता को बालू नहीं मिल पा रहा है, जो घरेलू कार्य के लिए प्रधानमंत्री आवास के लिए या घरेलू कार्य के लिए जनता को बालू नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ से ट्रक ट्रक हाईवा का बालू बाहर भेज दिया गया। तो ये ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग उद्योग चलाने वाली सरकार है, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं। इनका चेहरा आप उजागर हो चुका है पूरी तरह से। मैं एक लाइन में कहूंगा कि 3 साल के सरकार के कार्यकाल में हेमंत सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है हर महीने।